फैसलाबाद लीगी MPA फकीर हुसैन डोगर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा हुकूमत नाहल है, हुकूमत की नाहली और अदम दिलचस्पी की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ी, बजट के बाद महंगाई का तूफान आएगा। उनका मजीद क्या कहना था बताएंगे अब्दुल रहमान। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर मौजूदा सियासी सूरत हाल की, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ की हुकूमत की जानब से जो टैक्सेज आयद किए गए उनके खिलाफ ताजर इंडस्ट्रियलिस्ट रापा एहतजाज हैं। जो बिजली के बिल्स या इसके के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स हैं वो भी बढ़ने पर जो है महंगाई की सूरत हाल है वो भी खासी तश्वीशनाक बन चुकी है। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए लीगी MPA मौजूद हैं फकीर हुसैन डोगर। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहली बात जो की है वो की ये की है कि पेट्रोलियम मसनूआत, ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है कि इस वक्त पेट्रोलियम की मसनूआत जो पहले तकरीबन 64 रुपए या 65 रुपए के हिसाब से बैरल होता था डॉलर, अब वो 51 रुपए पे आ गया, यानी कि 30% के करीब जो है पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बाहर बैन अल्कवामी सतह पर कम हो गई हैं। लेकिन इस हुकूमत की नलायकी देखें, नहली देखें, बदकिस्मती हमारी देखें कि यहाँ पर रेट जो है पहले की तरह बरकरार है। लेकिन जब तक रेट पेट्रोलियम का कम नहीं होगा तो आप देखें कि इंडस्ट्री कैसे चल सकती है। जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, किराए कम होते हैं, बिजली जो है बनती है, जो ज़्यादा बिजली जो बनती है हमारी फर्नेस वगैरह से बनती है, उसकी कास्ट ज़्यादा आती है। अगर ये इस वक्त चाहते हैं कि इंडस्ट्री चले तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है कि पेट्रोलियम की मसनूआत को कम करें, और दूसरी बात यह है कि बिजली का 4-5 रुपये यूनिट जो है उसको कम करेंगे तो ये सिस्टम चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। पहले जो बिल किसी फैक्ट्री का 1 लाख रुपये आता तो अब आ रहा है 2.5 लाख रुपये। अच्छा, और दूसरा इन्होंने काम ये किया है कि यह पिछले महीने जो इन्होंने रीडिंग की है, यहाँ हमारे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर 7 तारीख को ये करते थे बिलिंग, रीडिंग करते थे, अब पिछले महीने इन्होंने रीडिंग की है वो 12 तारीख को की है, 5 दिन लेट की है। वो इसलिए कि यह सर्दी ज़्यादा थी, ताकि हर आदमी का यूनिट जो है जिसका 200 यूनिट बलता है उसका 300 से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो जाए। अगर आप 300 से कम एक यूनिट आपका बिजली का बिल इस्तेमाल होता है तो बिल आएगा 3-3.5 हज़ार रुपये। अगर 301 रुपये एक यूनिट हो जाता है तो आपका बिल एकदम ठीक है। अब्दुल रहमान आपका शुक्रिया। बजट के बाद महंगाई का तूफान आएगा, उनका मजीद क्या कहना था बताएंगे अब्दुल रहमान। बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर मौजूदा सियासी सूरत हाल की, तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीकी इंसाफ की हुकूमत की जानब से जो टैक्सेज आयद किए गए उनके खिलाफ ताजर इंडस्ट्रियलिस्ट रापा एहतजाज हैं। जो बिजली के बिल्स या इसके के साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स हैं वो भी बढ़ने पर जो है महंगाई की सूरत हाल है वो भी खासी तश्वीशनाक बन चुकी है। तो इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए लीगी MPA मौजूद हैं फकीर हुसैन डोगर। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहली बात जो की है वो की ये की है कि पेट्रोलियम मसनूआत, ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है कि इस वक्त पेट्रोलियम की मसनूआत जो पहले तकरीबन 64 रुपए या 65 रुपए के हिसाब से बैरल होता था डॉलर, अब वो 51 रुपए पे आ गया, यानी कि 30% के करीब जो है पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बाहर बैन अल्कवामी सतह पर कम हो गई हैं। लेकिन इस हुकूमत की नलायकी देखें, नहली देखें, बदकिस्मती हमारी देखें कि यहाँ पर रेट जो है पहले की तरह बरकरार है। लेकिन जब तक रेट पेट्रोलियम का कम नहीं होगा तो आप देखें कि इंडस्ट्री कैसे चल सकती है। जब पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, किराए कम होते हैं, बिजली जो है बनती है, जो ज़्यादा बिजली जो बनती है हमारी फर्नेस वगैरह से बनती है, उसकी कास्ट ज़्यादा आती है। अगर ये इस वक्त चाहते हैं कि इंडस्ट्री चले तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है कि पेट्रोलियम की मसनूआत को कम करें, और दूसरी बात यह है कि बिजली का 4-5 रुपये यूनिट जो है उसको कम करेंगे तो ये सिस्टम चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। पहले जो बिल किसी फैक्ट्री का 1 लाख रुपये आता तो अब आ रहा है 2.5 लाख रुपये। अच्छा, और दूसरा इन्होंने काम ये किया है कि यह पिछले महीने जो इन्होंने रीडिंग की है, यहाँ हमारे इलाके में जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर 7 तारीख को ये करते थे बिलिंग, रीडिंग करते थे, अब पिछले महीने इन्होंने रीडिंग की है वो 12 तारीख को की है, 5 दिन लेट की है। वो इसलिए कि यह सर्दी ज़्यादा थी, ताकि हर आदमी का यूनिट जो है जिसका 200 यूनिट बलता है उसका 300 से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो जाए। अगर आप 300 से कम एक यूनिट आपका बिजली का बिल इस्तेमाल होता है तो बिल आएगा 3-3.5 हज़ार रुपये। अगर 301 रुपये एक यूनिट हो जाता है तो आपका बिल एकदम ठीक है। अब्दुल रहमान आपका शुक्रिया।